गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए लेक्चर में हैं और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वक्फ एक्ट 1995 की। बेसिकली हम आज अपने जो रेगुलर हमारा लेक्चर चल रहा है एज पर सिलेबस, उससे थोड़ी सी हटके बात करेंगे और थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि वक्फ क्या चीज है। चूंकि बहुत सारे वक्फ के मामले जो है वो सामने आते हैं और उनका एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, लोग समझ नहीं पाते कि क्या चीज है, कैसे। बेसिकली एक तो आप पहले वक्फ जो लफ्ज अपने आप में ये वक्फ है, इसको समझें कि ये क्या है, कि इसका जो लिटरल मीनिंग है नंबर वन, दैट इज नंबर वन इज डोनेशन टू गॉड। किसी भी चीज की डोनेशन परमानेंटली एक आदमी अपने अपनी ओनरशिप से निकाल के उसको डोनेट कर देता है फॉर गॉड, ये वक्फ है। इसका और अगर हम मीनिंग इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है टाई अप, टाइड अप, उसको बांध देना, किसी चीज को एक हाशिए के अंदर या एक बाउंड्री के अंदर बांध देना, ये इसका एक और मीनिंग है। इसके अलावा वक्फ के जो मायने होते हैं, दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ द वक्फ इज डिटेंशन। इसका एक मीनिंग जो है वो डिटेंशन भी है, डिटेंशन का मतलब भी किसी को या किसी चीज को बांध देना होता है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग और है, दैट इज नॉन ट्रांसफरएबल। अगर कोई चीज एक बार वक्फ में आ गई, उसको आप वक्फ के तहत ले आए, तो वो पहली बार तो ट्रांसफर होके ओनर की ओनरशिप से गॉड की ओनरशिप में आ गई है, डोनेशन में कर दी गई गॉड को, लेकिन अब जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल हो गई। इसके बाद उसका फर्दर जो है कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी वक्फ की किसी लैंड को या किसी बिल्डिंग को या और कोई भी अगर ऐसी चीज है जो किसी पब्लिक यूज के लिए या एक प्राइवेट वक्फ के लिए किया गया है तो उसको ट्रांसफर कर सके। ये इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग है। ये आप समझ लें कि ये मीनिंग अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप बेसिकली ये समझ पाएंगे कि वक्फ क्या है। हमने बताया कि वक्फ का मीनिंग है डोनेशन टू गॉड, किसी संपत्ति का भगवान के लिए डोनेशन कर देना, डोनेट कर देना, खुदा के लिए डोनेट कर देना उसको, या टाई अप भी कह सकते हैं इसको, डिटेंशन भी कह सकते हैं, इस संपत्ति का डिटेंशन कर दिया गया वक्फ के अंदर, अब ये नॉन ट्रांसफरेबल हो गई। पहली बार तो ट्रांसफर हो गई वक्फ में आ गई, लेकिन अब वक्फ से ट्रांसफर होके कहीं और नहीं जा सकती, ये बात आप समझे। अब इसके किसी चीज का जो है वो एज पर मुस्लिम लॉ होता है, और जब भारत आजाद हुआ और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, उसको लिखा, तो सन 1954 में द वक्फ एक्ट 1954 को इनेक्ट किया गया, जो सन 1954 का एक्ट नंबर 29 था, जिसके अंदर वक्फ की संपत्तियों को रखा गया ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका सुपरविजन किया जा सके। लेकिन ये एक्ट जो था ये इतना प्रभावशाली नहीं था, उसकी वजह यह थी कि ये अलग अलग राज्यों में
अलग अलग डेट में लागू हुआ। और एक ये एक ऐसा एक्ट था जो किसी राज्य में पूरे में भी लागू नहीं था, कहीं लागू था कहीं नहीं लागू था। तो इस वजह से ये जो वक्फ की संपत्तियां थी इनको इनके रखरखाव में बहुत समस्या आ रही थी। तो लिहाजा इस एक्ट को 1995 में रिपील किया गया और वक्फ एक्ट 1995 जो है वो इनेक्ट किया गया। 1995 के अंदर एक नया वक्फ का अधिनियम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जो पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल था, पहले के मुकाबले ज्यादा मुनज्जम था, प्रोविजंस ज्यादा थे, सेंट्रल वक्फ अथॉरिटी को जो पावर ज्यादा मिली थी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर ज्यादा मिली, वक्फ बोर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए जो है ज्यादा प्रोविजंस किए गए और ताकि वक्फ की संपत्ति को मैनेज किया जा सके और सुपरवाइज किया जा सके। ये हमारे संविधान में कहां पर सवाल यह है कि वक्फ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर रखा गया। तो आप ये जान लें कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वक्फ का प्रोविजन है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ वक्फ। Is a relative entry number 10 where in trust and ट्रस्टीज, ट्रस्ट और ट्रस्टीज के अंदर रखा गया। दूसरी बात, कॉनकरेंट लिस्ट में रखा गया, बिकॉज जो ये वक्फ था ये सेंटर का भी मैटर था, सेंटर गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी मैटर था। ये दोनों के का मैटर था, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में सेवेंथ शेड्यूल के अंदर रखा गया। तो कहां क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में The subject of the waqf is a relative entry number 10 in trust and trustees in concurrent list because it is the subject of central government as well as state government and this has been kept in next year 7th schedule of the constitution. यहां तक मैं समझता हूं कि आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। व्हाट वाज द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ एक्ट। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये वक्फ जो है इट इज ए सिंगुलर फॉर्म, लेकिन आप ये जो वक्फ 1954 था उसमें डब्ल्यू ए जो प्लूरल के लिए डब्ल्यू ए के एफ एस वक्फ का इस्तेमाल किया गया था जो कि बेसिकली गलत था, चूंकि वक्फ एक उर्दू अरबी या फारसी डिक्शनरी से है इसलिए इसकी जो प्लूरल है वो औकाफ होती है। मीन्स
कि हम 1995 के एक्ट में वक्फ की जगह पर औकाफ पढ़ेंगे, प्लूरल जहां पे भी औकाफ आएगा इसका मतलब ये है कि हम वहां पर कई सारे वक्फ की बात कर रहे हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। What was the objective of this? Objective of the Waqf Act. इसका objective क्या था? इसका objective जो था वो ये था An act to provide better administration and supervision of वक्फ प्रॉपर्टी, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उनका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, रख रखाव और देखभाल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और इस रखरखाव के अंदर जो चीजें आ रही थी वो बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन इसका एक बहुत वास्ट मीनिंग जो है वो लिया गया, वो मैं आपको बता देता हूं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। आप और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन। जो देखें मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड सेमेस्टर के लोग हैं उनकी यहां पर फैमिली लॉ मुस्लिम जो है वो उनका पेपर है और उसमें वक्फ एक जो है बाकायदा टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा इसका मकसद है वो ये है कि आज की जनरेशन को वक्फ क्या चीज है ये बताया जाए और समझाया जाए ताकि उनको क्लैरिटी हो जाए कि वक्फ आखिर होता क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव में से हमने बता दिया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, दूसरा था टू एस्टैब्लिश स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स। पहला मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ औकाफ वक्फ प्रॉपर्टीज,
दूसरा मकसद था टू एस्टैब्लिश स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड. जितने भी वक्फ बोर्ड थे स्टेट के, वो स्टेट के कंट्रोल में थे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो थी वो स्टेट्स को कंट्रोल कर रही थी और यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल कर रही थी. ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था. तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. ये पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये किसके बीच में था? सीईओ एंड वक्फ बोर्ड्स. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वक्फ बोर्ड जो था, स्टेट वक्फ बोर्ड जो थे, उनके बीच में पावर का सही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ताकि उनका सही फंक्शन हो सके, उनकी तालमेल बने रहे और उनके बीच में किसी तरह का टकराव पैदा ना हो, ये इनका तीसरा मकसद था. चौथा मकसद ये था टू अपॉइंट सीईओ ऑफ दोज वक्फ जिनकी इनकम ₹5 लाख से ज्यादा थी. ऐसे औकाफ, ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज का सीईओ को नियुक्त करना जिनकी जो सालाना इनकम थी वो ₹5 लाख से ज्यादा थी, ये इनका जो था वो चौथा मकसद था. और इसके साथ साथ में ये था कि इनकी जो कंडीशंस थी वक्फ की वो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन नहीं थी. ये औकाफ थे, इनकी जो सालाना इनकम थी वो ₹5 लाख से ज्यादा थी, लेकिन इनकी फंक्शनिंग, इनका रख रखाव, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था. तो इस लिहाज से ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि इनके सीईओ को अपॉइंट किया जाए और इनके रख रखाव में जो है वो बेहतरी लाई जाए, और जो इनकी कंडीशन खराब है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसको सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में बदला जाए. पांचवा था टू रेगुलेट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. चूंकि औकाफ के मामले में बहुत सारे झगड़े होने लगे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई थी, और उनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो थी वो सब ढुलमुल मामला था, वो सही नहीं चल रही थी, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो ये इस एक्ट के तहत जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है उनको ठीक करने की कोशिश की गई. ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया. आज की व्यवस्था में किसी भी सिविल कोर्ट में कोई भी जो औकाफ की प्रॉपर्टी है उसका केस नहीं चलता, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चलेगा, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा. नंबर 6 था टू सुपरवाइज पावर ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ मुतवल्लीज. ये जो इसका छठा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये जो मुतवल्लीज थे बोर्ड्स के, औकाफ के, इनकी पावर, इनकी ड्यूटी और इनके फंक्शन को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना. क्योंकि मुतवल्ली जो थे वो बिल्कुल कहना चाहिए बेलगाम हो चुके थे, उनका
पावर इतनी ज्यादा थी कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद करना शुरू कर दिया था, लोगों ने वक्फ को बेचना शुरू कर दिया था, लोगों ने वक्फों को अपने मसलन किसी एक्स ने वक्फ किया लेकिन उन्होंने उसको वाइफ के नाम पे दर्ज करा दिया, इस तरह के बहुत सारे मामला जो है वो सामने आने लगे। तो इस वजह से इसका एक मकसद था टू सुपरवाइज पावर ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ मुतवल्लीज। इनका एलाइनेशन जो था वो बहुत आसान था वक्फ प्रॉपर्टीज का, इसका एक मकसद था टू मेक डिफिकल्ट। एलाइनेशन इसको इसका मतलब बेगानापन होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का पता ही नहीं लगता था, वो बेगानी हो जाती थी ऐसे ही और उसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने कहा इसको इतना डिफिकल्ट बना दो कि वो जो है उसको कोई उसकी व्यवस्था को बिगाड़ ना सके, उसको खुर्द बुर्द ना कर सके, उससे कोई बर्बाद ना कर सके। नंबर आठ, टू कंडक्ट सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करना ये इनका था कि सेक्शन 4 ऑफ द वक्फ एक्ट के तहत सर्वेयर को अपॉइंट करें, और सर्वेयर को अपॉइंट करके वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कराया जाए, ये इनका एक मकसद था। टू ऑफ औकाफ, औकाफ का जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी उसको स्ट्रेंथन करना ये एक मकसद था। टू रिमूव इनक्रॉचमेंट, क्योंकि वक्त की संपत्तियां बिल्कुल लावारिस हो गई थी, इनकी देखरेख नहीं हो रही थी, कोई सेंटर्स की पावर ऐसे नहीं थी, मुतवल्लीज बेच लेते थे, दुकानदारों को रख लेते थे, वो उसके अंदर इंक्रोचमेंट हो जाता था। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था वक्फ एक्ट 1995 का, टू रिमूव इंक्रोचमेंट फ्रॉम द वक्फ प्रॉपर्टीज। उसके बाद में मेंटेनेंस, बजट को बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें और भी ऐसे हैं। जो इसके अंदर बहरहाल ये 10-11 फंक्शंस जो हैं, आई थिंक दीज आर द मोर एंड सफिशियंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ एक्ट। अब इसके बाद इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वक्फ एक्ट, ये एप्लीकेशंस क्या थी? इट वॉज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, जैसा कि और सब में भी था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आज की डेट में ये स्थिति बदल चुकी है, धारा 370 हट चुकी है, तो उसके जो भी प्रोविजंस हैं वो अलग आएंगे। और दरगाह अजमेर शरीफ ख्वाजा साहिब, ये इसके ऊपर भी एक एक्ट नहीं लगता था, चूंकि इसके लिए पार्लियामेंट ने 1955 में ख्वाजा साहिब की दरगाह के लिए एक अलग से एक्ट बनाया था, इसके डोनेशंस को, इसके एसेट्स को, इसके एक्सपेंसेस को,
और इसकी जो जो भी मिसलिनियस चीजें थी उनको कंट्रोल और उनको सुपरवाइज करने के लिए एक ये 1955 में दरगाह अमीर शरीफ के नाम से एक एक्ट बनाया गया था। तो ये इस वो एक्ट इसको रेगुलेट कर रहा था, इसलिए इस पे ये लागू नहीं था। इसके अलावा थ्रू आउट द इंडिया जो है ये लागू था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक यू विल हैव गॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। नेक्स्ट जो ये सेक्शन टू में आपका जो है ऑफ द वक्फ के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। सेक्शन थ्री जो है इसके अंदर आपको डेफिनेशंस, तमाम वक्फ की डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन थ्री के अंदर दी गई है, वहां से जो है वक्फ की डेफिनेशन जो है वो आती है। अब यहां से हम बात ये करेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वक्फ, वक्फ की डेफिनेशन क्या है, और ये डेफिनेशन समझ के आज जो है हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे और आप इसको आई होप के दोबारा देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। क्वेश्चन इज के व्हाट इज, समझने के लिए व्हाट इज वक्फ, आखिर वक्फ है क्या। तो जैसा कि हमने तमाम अब तक जितने भी एक्ट पढ़े हैं हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, तो मैं समझता हूं तमाम सुनने वालों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे लॉयर्स भी ऐसे होंगे जो इसको समझना और देखना चाहेंगे कि एक्चुअल में वक्फ है क्या। तो आई होप ऑल ऑफ यू वुड एंजॉय दिस, लेट्स रीड दिस। सेक्शन थ्री में मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ वक्फ इज गिवन इन सेक्शन थ्री एंड सब क्लॉज आर के अंदर ये दिया गया है। वक्फ मीन्स व्हाट, परमानेंट डेडिकेशन टू गॉड, परमानेंट डेडिकेशन टू गॉड काहे का, व्हाट ऑफ बाय हूम, पहला क्वेश्चन आता है बाय हूम, ये डेडिकेशन जो करेगा ये कौन करेगा, बाय एनी पर्सन, एंड डेडिकेशन ऑफ व्हाट, क्वेश्चन इज व्हाट, दिस पर्सन इज डेडिकेटिंग टू गॉड व्हाट, इज डेडिकेटिंग प्रॉपर्टी which is movable or immovable। ये property जो है ये movable भी हो सकती है और immovable भी हो सकती है, ये immovable भी हो सकती है और movable भी हो सकती है। ये रीजन क्या है इसका, ये आदमी जो ये प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, परमानेंट डेडिकेशन करना चाह रहा है, इसका रीजन क्या है। रीजन, रीजन इज फॉर एनी पर्पस recognized by Muslim law as number one pious, number two religious, and number three
चैरी टेबल, ये तीन पर्पस में से कोई भी एक पर्पस जो है इसका रहा है रीजन फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज बाय मुस्लिम लॉ. और वो रीजंस क्या हो सकते हैं? वो रीजंस हैं पायस रीजन फॉर रिलीजियस पर्पस फॉर चैरिटेबल. ये पायस रीजन जो है ये क्या है? देखें इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे लोग हज पिलग्रिमेज के ऊपर जाते हैं तो वहां पे लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है, ठहरने का इंतजाम किया जाता है, उसे कोबट बोलते हैं. वो यहां के लोगों ने वहां पे बना दिया. क्यों? कि जब कोई इंडियन यहां से वहां जाएगा तो उसको रहने की, आज की डेट में जिसको हम कैंप भी कह देते हैं और बहुत सारी चीजें, वो परमानेंट, लेकिन उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बनाए. तो ये पायस रीजन एक इसका ये हो सकता है. दूसरा पायस रीजन हो सकता है कि कोई पुअर फैमिली है, कोई पुअर बंदा है, वो हज के लिए नहीं जा सकता, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये जो है इस हज इस की रकम से, वक्फ से जो इनकम आती है उससे उस आदमी को हज करा दिया जाए, ये भी एक पायस रीजन हो सकता है. रिलीजियस भी है ये, लेकिन पायस है. रिलीजियस में आपका किसी मस्जिद की तामीर करवाना, किसी इमाम बारगा की तामीर कराना, किसी कब्रिस्तान की देखभाल करना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें रिलीजियस में. और चैरिटेबल की जब बात आती है तो मींस मेकिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज को तैयार कराना, हेल्पिंग विडोज बेवाओं की मदद करना, विधवाओं की मदद करना, बिल्डिंग ऑर्फन हाउस, यतीम बच्चों के लिए घर बनाना, ये सारे जो है ये रीजंस जो है वो चैरिटेबल हो सकते हैं. तो दोस्तों आज हमने इंडियन वक्फ एक्ट 1995 को पढ़ा है और इसको समझने की कोशिश की है. हमने ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसको समझा है, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो थी उसको हमने समझा है. वक्फ एक्चुअल में है क्या? सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैड लर्न्ड वक्फ एक्ट 1995 एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट. इसकी एप्लीकेबिलिटी हमने इसकी समझी है कि कहां कहां पे है. थ्रू आउट द इंडिया इसकी एप्लीकेबिलिटी है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब वो हालात बदल गए हैं और अजमेर की दरगाह के अलावा ये पूरे भारत में लागू होता है. इसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ एक्ट पढ़े हैं, जो मैं बहुत जल्दी आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स. बेटर सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ प्रॉपर्टीज. नंबर टू, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल वक्फ जो कमेटी होती है उसके लिए एंड स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए. नंबर थ्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. नंबर फोर, अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ. नंबर फाइव, टू रेगुलेट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर द वक्फ प्रॉपर्टीज, टू कंट्रोल एक्ट ऑफ मुतवल्लीज, उनकी ड्यूटीज क्या थी और उनके पावर्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या है. टू कंट्रोल लाइक टू स्टॉप अलाइनेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंस ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज एंड टू रिमूव द इनक्रोचमेंट फ्रॉम द वक्फ प्रॉपर्टीज. These were the objective of this Wakf Act. And lastly, once again, we'll repeat the and understand the definition of Wakf. That is, what is Wakf? Wakf is, as per the section 3 and of this Wakf Act,
वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन ऑफ टू गॉड बाई एनी पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पज रिकोगनाइज बाई मुस्लिम लॉ दैट इज दैट दैट पर्पज कुड बी पायस मीन्स हेल्प फॉर हज पिलग्रिमेजेस फॉर पुअर्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सम अदर पायस पर्पजेज जो जैसे मस्जिदों के इमाम वगैरह होते हैं उनकी तनख्वाह वगैरह भी दी जा सकती है रिलीजियस पर्पजेज टू मेक मस्जिद टू बिल्ड इमामबाड़ा टू मेंटेन कब्रिस्तान एटसेट्रा एंड चैरिटेबल पर्पज मेकिंग द हेल्थ फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के लिए और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के लिए और फॉर हेल्पिंग विडोज बिल्डिंग ऑर्फन हाउस फॉर चिल्ड्रंस यतीम बच्चों के लिए घर बनाना दिस कुड बी पर्पजेज फॉर जिसके लिए वक्फ को बनाया जा सकता है दोस्तों मैं समझता हूं कि आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वक्फ इन दिस लेक्चर विल स्टॉप हेयर ओनली वेयर वी हैड लर्नड व्हाट इज वक्फ वी हैड लर्नड एप्लीकेशन ऑफ द दिस एक्ट एंड थर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर We will understand the how centers की जो वक्फ काउंसिल है उसका काम क्या है उसकी पावर्स क्या है उसकी फंक्शनिंग क्या है स्टेट वक्फ बोर्ड जो हैं उनकी पावर फंक्शनिंग क्या है और उनका जो तरीकेकार क्या होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैसी होंगी वी विल लर्न मुतवल्ली की पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं वो हम सब समझने की कोशिश करेंगे और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको मेंटेन और सुपरविजन कैसे होगा उनका सर्वे कैसे होगा दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स थैंक यू आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक टू सब्सक्राइब एंड टू शेयर दिस चैनल सो दिस ऑल नॉलेज वी हैव वी कैन शेयर विद अदर पीपल थैंक यू